हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 टाइम को टाइम सर्वर के साथ सिंक करने के लिए कैसे फोर्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपके केस में भी यहाँ पे टाइम सही से नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सिंक नहीं होता है इंटरनेट के टाइम के थ्रू, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, उनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सच पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना सर्विसेज। सर्विसेज टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप कर देना। डब्ल्यू टाइप करने के बाद यहाँ पे आप डब्ल्यू के सीरीज में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है विंडो टाइम। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है विंडो टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी दिख जाएगा विंडो टाइम, इसको आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि आपके केस में भी यहाँ पे ये सर्विस स्टॉप है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सर्विस स्टॉप है, मेरे केस में भी स्टॉप है, ऐसे ही आपके केस में भी स्टॉप होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेना है। मान लीजिए यदि आपके केस में पहले से ही सर्विस रनिंग है तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ से आप मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनुअल सेलेक्ट होगा, तो इसको आप चेंज करके ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखेगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड्रेस डेट एंड टाइम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिंक नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंक नाउ दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ये सिंक हो जाएगा। इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आपके केस में भी कंट्रोल पैनल आइकन दिखता है, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्च पे क्लिक करके यहाँ से आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेट एंड टाइम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटरनेट टाइम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेंज सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी आप सर्वर डालना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्वर भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपके केस में यहाँ पे जो अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यदि आपके केस में यहाँ पे टिक मार्क नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट नाउ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अब मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सीएमडी टाइप कर देना है। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही टाइप कर लेना है। जो लेटर कैपिटल है उसको आपको कैपिटल में टाइप करना है, जो लेटर स्मॉल है उसको आपको स्मॉल में टाइप कर लेना है। यहाँ पे आप इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एनईटी नेट स्पेस दीजिएगा एसटीआरटी स्पेस W32 टाइम, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद ये कमांड भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है W32TM, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद स्पेस देना है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद UNREGISTER, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। अब आपको दोबारा यहाँ पे टाइप करना है W32TM स्पेस फॉरवर्ड स्लैश REGISTER, इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर
एंटर करते हैं, इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाता है तो आपके केस में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए इसको रन करने के बाद कोई भी यहाँ पे एरर आता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से एक कमांड रन करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण यह गलत कमांड यहाँ पे टाइप हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है W32TM, इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देना है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है RESYNC, इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है तो आपके केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि मान लीजिए फिर भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, इसी तरह आपके केस में भी एरर आता है, जैसे मेरे केस में एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है NET स्पेस दीजिएगा टाइम स्पेस फॉरवर्ड स्लैश SET, इस तरह से टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, इस तरह से कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। रन होने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है तो आपके केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में भी इसी तरह का एरर आता है, यानी तो कोई एरर नहीं आता है, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या PC के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है NIST, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटरनेट टाइम सर्विस ITS, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक आपके केस में डाउनलोड हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता है, इस तरह से विंडो ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं वो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, ये EXE डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से EXE रन हो जाएगा। रन होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रीसेट हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम था ये फिक्स हो गया होगा और आपका जो टाइम से रिलेटेड, सिंक्रोनाइज से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। उसके बाद इस विंडो को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब यदि आप इस EXE को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड में से किसी एक मेथड से आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपके केस में कौन सा मेथड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।